फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स महिलाओं के लिए एक ऐसी समस्या है जो उन्हें हर महीने होती है। इस समस्या को लेकर अक्सर महिलाओं के मन में ये सवाल उठता होगा कि यह समस्या उन्हें ही क्यों भुगतनी पड़ती है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो इसका जवाब दिया गया है भागवत पुराण में, जिसमें ये बताया गया है कि स्त्रियों को असल में मासिक धर्म क्यों होता है। यह कथा तब की है जब देवताओं के गुरु देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। इसी का फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। तब इस समस्या का निवारण करते हुए ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि उन्हें किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, जिससे उनकी गद्दी उन्हें वापस मिल सकती है। इस आज्ञा का पालन करने के लिए इंद्रदेव ने एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी शुरू की, लेकिन इस बात से इंद्र अनजान थे कि उस ब्रह्मज्ञानी की माता असुर थी और इसलिए उसके मन में असुरों के लिए विशेष स्थान था। इस कारण से वह इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की जगह असुरों को चढ़ा रहा था। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इसकी वजह से इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया, जो एक राक्षस के रूप में उनके पीछे पड़ गया। इससे छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने खुद को एक फूल में छुपा लिया और 1,00,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान ने खुश होकर इंद्रदेव को बचा लिया और पाप से छुटकारे के लिए उपाय सुझाया। भगवान ने इंद्रदेव से कहा कि वे इस पाप के कुछ अंश को पेड़, पृथ्वी, जल और स्त्री को दे दें, और इन चारों ने इंद्र का ये आग्रह स्वीकार किया और उनसे अपने लिए वरदान मांगा। इस पाप के अंश के बदले पेड़ को वरदान मिला कि वह अपने आप को कभी भी जीवित कर सकता है। पानी को वरदान मिला कि वह किसी भी वस्तु को स्वच्छ कर सकेगा। पृथ्वी को वरदान मिला कि उसकी सभी चोटें अपने आप भर जाएंगी। और अंत में स्त्री को इंद्र के श्राप स्वरूप मासिक धर्म की यातना मिली, जिसके लिए इंद्र ने स्त्री को यह वरदान दिया कि वह पुरुषों की अपेक्षा काम यानी कि शारीरिक संबंध का आनंद दुगुना ले पाएंगी।